Hari painted the house. Answer: The house was painted by Hari. Megha is reading a book. Answer: A Megha is being read by a book is being read by Megha. Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर एनुअल एग्जाम इंग्लिश पेपर से क्लास सिक्स्थ के लिए वर्कशीट, जो अभी एग्जाम होने वाली है, फाइनल एग्जाम बच्चों की. उसमें किस प्रकार के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास सिक्स में पूछे जा सकते हैं वो आप इस वर्कशीट में देख पाएंगे. आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पर आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे, साथ ही ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्लास सिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में दो प्रीपोजिशन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक प्रीपोजिशन हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है. नंबर ए, वी वेंट ऑन वैकेशन इन विंटर ब्रेक. बी, सी कैप्ट द पेंसिल इन द बॉक्स. सी, वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे. डी, आई लाइक वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग. एंड ई, He ran his arm over his head. Next question number 2. Question number 2, change into the passive voice. Sentence को हमें passive voice में change करना है. Active voice में sentence दिए गए हैं. Ram cleans the house. Answer, house is cleaned by Ram. Number 2, they won the match. The match was won by them. Number 3, Hari painted the house. Answer, the house was painted by Hari. Number 4, Megha is reading a book. Answer, a book is being read by Megha. Number 5, teacher read a poem. Answer, a poem is read by teacher. Next question number 3, underline the verb and state whether the verb is transitive or intransitive. Pick out the object. हमें इस सेंटेंस में वर्ब बताना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि कौन सा वर्ब है, ट्रांजेसिव या इंट्रांजेसिव, और ऑब्जेक्ट भी पिक करना है. तो चलिए पहला देख लेते हैं. सीला गिव अस अ बैग. सीला गैव अस ए बैग. गैव हो गया वर्ब, ट्रांजेसिव वर्ब हो गया, और बैग हो गया ऑब्जेक्ट. आई ऑफर्ड हिम अ केक. ऑफर्ड वर्ब हो गया, ट्रांजेसिव वर्ब, एंड केक ऑब्जेक्ट. ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे. ड्रिंक वर्ब एंड ट्रांजेसिव, मिल्क हो गए ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, द वर्ड सैंग स्वीटली. सैंग वर्ब हो गया एंड इनट्रांजेसिव हो गया. नेक्स्ट, सी स्पीक्स पोलाइटली. स्पीक्स वर्ब एंड इनट्रांजेसिव. ब्लो द विसल. ब्लो वर्ब हो गए, ट्रांजेसिव, एंड विसल हो गए ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा नंबर 4. आइडेंटिफाई वेदर दिस सेंटेंस आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. हमें फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में. चलिए, ए, दृष्टि कुड नॉट सी द वुमन. आंसर, पैसिव वॉइस. रेनू पिक अप द पर्स. एक्टिव, सॉरी, दृष्टि कुड नॉट सी द वुमन, एक्टिव वॉइस. And B, Renu pick up the purse, active voice. Syam found his car key, active voice. The pack of sheep were thrown by Sagar, passive voice. Mark was given a warning, passive voice.
Next question number 5. Fill in the blanks with the correct appropriate continuous from the verb. Verb का continuous form हमें लिखना है. हमारा verb दिया गया है, इसके continuous form लिखा गया है watch. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Right now I am watching a tennis match. It. We were eating when you were arrived. Work. I am working now. D. He was cleaning an old trunk. Next number E. Studying. Rohan is studying hard for exam. Next question number 6. Change into present perfect tense. Present perfect tense में हमें sentence को change करना है. A. The postman delivered the letter. Answer हो जाएगा the postman has delivered the letter. Rina is going to Lucknow. C. I shall buy a cricket bat. I have bought the cricket bat. D. Rita has packed her bag. आज के लिए इतना ही. आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे. साथ में मैं यह भी बताना चाहूंगी, इस क्लास में आपको फ्रेज एंड लेटर्स भी पूछे जाते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ. प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.